मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे हम बेरोजगार है सन, हमारा देह पर बहुते पैसा उधार है सन, अब बोलो का अभी तुमको हमसे प्यार है सन। हम जान तनी हम माई आइए जाई। देखी पहले जे रहे प्यार आंधा होत रहे, वही से कोई से हो जात रहे, लेकिन अब जे बा अब अपना आँख के इलाज करा ले बा। अब सबसे पहले वो बैंक बैलेंस देखो। हाँ रही से हम सोचनी कि ना अब पैसा कमाए के पड़ी, तब बहुत लोग से राय सलाह लेनी, गांव का लोग से पूछनी, तब मतलब कहलक लोग कि बबुआ अब देखो आजकल के जमाना में तो नौकरी मिलल एकदम असंभव बा, यही से तू कौनो दौड़ी दुकान खोल। तो हम कहनी हाँ बात ही हमारा जचल, तो सोचनी कि ना शुभ काम में देरी ना, आ वही रात के एकदम उठैनी छेनी हथौड़ी आ जाके दुकान एगो खोले लगनी। अब तो दुकान खोलते रही तले पुलिस पकड़, तब जेल में गई ओकर बाद जब अली तब पता चल कि ना आपन दुकान खोले के रहे बात, बात हमरा पता ना रहे कि दुकान आपन खोले के चाहिए पैसा से, हम पैसा खाती दुकान खोलत रही दूसरा कोई के। तो कहनी कि ना फायदा नहीं है दुकान खोलना में, पाकिट में पैसा नहीं, तो सोचनी कि अब भैंसे चलावला में फायदा बा। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ खोजते खोजते, आखिर कब मिलेगा कहाँ मिलेगा मेरे सपनों का गरीब लाचार बेरोजगार राजकुमार। क्या गरीब लाचार बेरोजगार राजकुमार, तू कौन दुनिया से आई बाड़ू हूँ? हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए किसी गरीब लाचार बेरोजगार लड़के से शादी करके उसे अमीर बना देना चाहती हूँ। साचो? हाँ तुम अगर किसी गरीब लड़के को जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। आए? तो हम का तहरा अंबानी के दामाद लिखा लगा था। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि हमारा से बेसी गरीब के बाय ब्रह्मांड में है, माने हम खानदानी गरीब है सो रुको विश्वास ना करे, हमारे बचपने से सपना रहे कि हमरो घर में एगो टीवी रही तो हम खटिया के नीचे बैठ के देखती। क्या खटिया के नीचे बैठ के? हाँ तो ये खटिया पर 37 आदमी के बैठी। गरीब आदमी बानी सोनू, अब गरीबी में आदमी का करो, सोचे लगी चल बैठल बैठल बानी से तो दो चार गो लड़के पैदा कर दिया। नहीं करते करते 37-38 आदमी घर में हो गए रहे, तीन चार पट्टी के आंगन में, वो तो गनीमत भैल की हाइजा फैल गल गाँव में कि 15-20 गोरा मर गई ना सो। ना तो आज खड़ा होकर जगह ना रही घर में। हाँ अच्छा छोड़ो वो सब, घर में टीवी आया कि नहीं? ना टीवी तो ना आई, लेकिन हमारा बाबा के टीवी हो गई। क्या? हाँ डॉक्टर कहला कि इनका छाती में टीवी हो गई। अब तो हम ये बात सुन के बहुत खुशी भइल हमारा कि चलो अब बाबा के छाती में टीवी देखे के मिली। तो एक दिन बाबा हमार मुंह बाके जोर जोर से खखत रहे, तो हम देखने तो कहानी अरे बाबा के तो डीवीडी खुलल बा, डीवीडी के कैसे देखो मुँह में ठूस दे। टीवी चला? ना टीवी तो ना चलल, लेकिन हमार बाबा चल गए रहे दुनिया से। मतलब बहुत खतरनाक गरीब बानी सर, हमारा से ब्याह कर ली लो। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी भैंस है। भैंस? अरे भैंस हमार थोड़े ही हो, ये तो पोसाव ले ले बानी सर। क्या? हाँ ये बौसी की यहाँ से जाके पोसाव ले आई बनी। आई हो भैंस तो मतलब का कही हो, हम ये सोच के लिए नहीं सकी चलो कहीं दो चार गो पारी दिया जी तो किस्मत पलट जाए, हाथ पर दो चार गो पैसा कौड़ी हो जाए, तो ये तो जब से ले आए बनी सो तब से खाली पड़े बिया। ये गरीबी में आवड़ी गरीबी बढ़ते जाता, ब्याह कौन है? अच्छा तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? वैसे परिवार में तो ढेर लोग बा, लेकिन हम एक घड़ी फारका खाते। हाँ आ परिवार ढेर नहीं थे, तीन गो मेहरारू बारी सह आ 9-10 गो लई एकदम ठोस परिवार। क्या तुम
तीन तीन शादियाँ की है और 9-10 बच्चे भी हैं। हाँ, तीन को भी आपको ले, मतलब हम क्या कहें, आदमी के गरीबी का ना करा दे। तो क्या ये शादी और बच्चे तुमने गरीबी के कारण किए हैं? तो रवियो का बुझाता, हम सुख सोहबत कैले बनी है गरीबी के कारण कैले बनी। हम सोचली कि चलो तीन गो बियाह करम तो तीन हाली दहेज मिली तो कुछ पैसा कौड़ी हो जाए। लेकिन कहाँ दिल सो, कुछ ना दिल सो। ऊपर से हम कह रही बारात में पैसा के माला पहन के वो मजाक करत करत सब चुरा ले ली सो। और सियाए मेरी तो खाली डोरी माच को रहे पैसा के, तुम ही को दस टकियो ना रहे। जी जी, हमार कहाँ से कर्जा कार के दस टकिया के बनवैले रहे माला, अब कहत रहे दो हमार ले आगे कोई से कहाँ से दी। वही घड़ी से ताना मारे ले कि पैसा हमार दो पैसा कहाँ से दी पैसा। भैंस भी आएगा तो वो खाली पौरे भी आती है। इतना खतरनाक गरीब मानी छा रुको ब्याह करे के पड़ी बुझाता। और 9-10 बच्चे क्यों पैदा किए? अरे लड़के तो 1200 के घर का खर्ची चलता ना, तो हाई भाई चरावला से का होखे वाला बा। क्या तुम उनसे काम करवाते हो? ना, ओकनी के सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देले बनी, वही में जाला सब पढ़े खिचड़ी खाए के मिल जाला। स्कूल ड्रेस के जौन पैसा मिलेला वही से घर के खर्ची चलता। हम 2 साल से वहीं पर रोक लाग गई, देखी ना अब कैसे घर के खर्ची चल। अब रंग हाँ से ब्याह कहेंगे पूरी, अब हमारे को उपाय लौकत बैठे दो। तुम गरीब नहीं हो, तुम नाची और पागल हो, मुझे तुमसे नहीं करनी है शादी। अरे महाराज नानू सब बात सब झूठ का शादी। कहा ये गरीबी में छोड़ के हमारे कहाँ तरह लोग, ये कहू को लाइक कर दो लोग, ये कहू कमेंट कर दो लोग कि कुछ हमारे धर्म कर्म चलू, आ शेयर कर देवे लोग का बात हो जाए। मतलब भैंसिया खाली पड़े भी आती है तो हम लोग नहीं छोड़ दे लोग। अब तो भगवान ने विचार करी है, कमेंट कर लोग पर दे।